स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 9 जिसकी है फर्स्ट पोयम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। ओके, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं क्योंकि चैप्टर में जो हमने टेक्स्ट बुक में थे पोयम और स्टोरी वो तो हमने यूनिट 9 देख लिया, तो उसकी जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। ओके, तो ये है हमारी यूनिट 9 पोयम एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे नीचे हमें ब्लैंक्स दिए हैं और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से जो सही आंसर है वो हमें बॉक्स में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है द लिटल गर्ल वेंट्स ग्रैनी टू। तो ऑप्शन ए, Do here homework. C. Cut your nails. C. Tell here a story. D. Comb your hair. तो जो लिटिल गर्ल थी वो अपने ग्रैनी को क्या बोल रही थी, नेल कट करने के लिए, होमवर्क करवाने के लिए, स्टोरी कहने के लिए या कॉम माय उसके बाल बनाने के लिए। तो यस, comb your hair. ओके, तो आंसर आएगा डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। फिर है ग्रैनी रब ब्लैंक इन द लिटिल गर्ल्स हेयर। ऑप्शन फिंगर, बी कोकोनट ऑयल, सी कॉम, डी वाटर। तो क्या आएगा, ग्रैनी रब कोकोनट ऑयल, आंसर आएगा बी। फिर है थर्ड है ग्रैनी कॉल्स द गर्ल ब्लैंक, ए नाइस गर्ल, बी गुड गर्ल, नॉटी गर्ल या लवली गर्ल। तो क्या आंसर आएगा, यस नाइस गर्ल मतलब ए। तो बॉक्स में हम लिखेंगे ए। फिर है द लिटिल गर्ल लव हियर ग्रैनी बिकॉज सी ए हेल्प हियर, बी प्ले विथ हियर, सी टेक्स केयर ऑफ हियर, डी टेल्स हियर स्टोरीज। तो आंसर क्या आएगा, सी टेक्स केयर ऑफ हियर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड है राइट टू राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें दिया है फिजी रैट थ्रेड एंड हर्ल। तो यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे कि फिजी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी आर डबल ई जेड ई बिजी। फिर लिखेंगे हम नीज। ओके, ऐसे हम राइमिंग वर्ड्स लिखना है। फिर रेड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैट। फिर लिखेंगे हेयर। ओके, फिर थ्रेड तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे बी आर ई ए डी ब्रेड। फिर हेड। ओके, फिर है हर तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी यू आर एल गर्ल और लिखेंगे जी आई आर एल गर्ल। ओके, तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गया। फिर नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शन हमें दिया है यू ही सी इट। ओके, तो फर्स्ट है दैट इज अ हाउस ब्लैंक इज येलो। तो आंसर क्या आएगा, That is a house. It is yellow. Answer आएगा it. This is Meena. Blank is my sister. तो C is my sister. तो आएगा C. S H E C. फिर है blank am a boy. My name is Jay.
तो इनमें से क्या आंसर आएगा? आई एम अ बॉय, माई नेम इज जय. तो यहाँ पर लिखेंगे आई, नितिन इज अ बॉय, ब्लैंक इज माई फ्रेंड. तो क्या आंसर आएगा? यस, ही इज माई फ्रेंड. लुक एट दैट बस, ब्लैंक इज रेड. तो इट इज रेड. पिया इज क्राइंग, ब्लैंक इज अ बेबी. तो सी इज अ बेबी. सेवेंथ है, ब्लैंक आर अ गर्ल, योर नेम इज टीना. तो क्या आंसर आएगा? यू आर अ गर्ल, योर नेम इज टीना. तो यहाँ पे आंसर आएगा यू. राम इज सिंगिंग, ब्लैंक इज अ सिंगर. तो आंसर आएगा ही इज अ सिंगर. तो एच ई ही. फिर है ब्लैंक आर अ नाइस गर्ल. तो क्या आंसर आएगा? यू आर अ नाइस गर्ल. फिर है ब्लैंक, आई एम गोइंग टू स्कूल. तो आई एम गोइंग टू स्कूल. फिर है राज इज प्लेइंग अ पियानो, ब्लैंक इज अ म्यूजिशियन. तो आंसर क्या आएगा? यस, ही इज अ म्यूजिशियन. तो ही का स्पेलिंग क्या होता है? यस, एच ई ही. फिर है दिस इज अ ट्री, ब्लैंक इज अ मैंगो ट्री. तो क्या आंसर आएगा? यू ही सी इट और आई में से कौन सा आंसर आएगा? यस, आंसर आएगा इट. और इट का स्पेलिंग? यस, आई टी ईट. फिर है ब्लैंक आर फैट, ब्लैंक एम थिन. तो यू आर फैट, आई एम थिन. तो यू आर फैट एंड आई एम थिन. ओके. फिर है दैट इज अ कैट, ब्लैंक इज व्हाइट. तो आंसर क्या आएगा? He, she, it और I में से आंसर कौन सा आएगा? Yes, it. It is right. फिर लास्ट है, Rima is playing with a doll, blank is a girl. तो आंसर आएगा she is a girl. तो यहाँ पर लिखेंगे she. Rima is playing with a doll, she is a girl. ओके. फिर नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि बस, ऑरेंज, पैरट, पेंसिल, एरोप्लेन, ड्रम, लायन, आई, डॉल, जू एंड एंजिन. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दिया है तो उसके आगे ए लगेगा या ए एन लगेगा, वो हमें देखना है. ओके, तो पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स के आगे ए लगेगा या ए एन लगेगा? ओके, तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारे वोवेल्स हैं ना वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स है. ओके, ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, तो हमें ये याद रखना है कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन लेटर से जो भी शब्द स्टार्ट होगा, ओके, तो वहाँ पे क्या आएगा?
A-N. A हो, E हो, I, O, U. इन पांच में से कोई भी लेटर से वर्ड स्टार्ट होता है तो आएगा A-N. ओके ओके, इनके अलावा अगर कोई लेटर से वर्ड स्टार्ट होता है तो होगा A. ओके इन पांच के अलावा अगर वर्ड कोई स्टार्ट होता है तो वहां पे आएगा A. अगर A, E, I, O, U से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो वहां पे आएगा A, N. ओके तो फर्स्ट देखते हैं, ये स्पेलिंग है B, U, S, बस. तो ये लेटर कौन सा स्टार्ट होता है? B. तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे वोवल्स में B आता है तो हमारे वोवल्स में तो A, E, I, O, U ही है, B नहीं है, तो वो उसके आगे क्या आएगा? A. ओके फिर है ऑरेंज, तो ऑरेंज का स्पेलिंग O R A N G E, तो फर्स्ट लेटर O है, तो O जो है वो वॉवल्स में आता है, देख लेते हैं O E I O, यस, तो जो O है वो वॉवल्स में आता है, तो वहां पे क्या आएगा? A N. फिर है पैरोट, तो पैरोट का फर्स्ट लेटर है P, तो वॉवल्स में तो P नहीं है, तो क्या आएगा? A. फिर है पेंसिल, तो इसमें भी पी है, तो आएगा ए. फिर है एरोप्लेन, मतलब ए, तो ए तो वॉवल्स में आता है ना, तो वॉवल्स में जो आते हैं तो उसमें क्या लगेगा आगे? ए एन. फिर है ड्रम, तो फर्स्ट लेटर है डी, तो वॉवल्स में तो डी नहीं आता है, तो जो वॉवल्स में डी नहीं आता है तो यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि जो डी है वो वॉवल्स में नहीं आता, और तो जो वॉवल्स में नहीं आते हैं उसमें क्या लगेगा? ए. ओके फिर है लायन, तो एल है, तो एल तो वॉवल्स में नहीं आता, तो आएगा ए. फिर है आई, तो ई है आगे, तो ई हमारे वॉवल्स में आता है, ए ई, यस, तो उसमें क्या आएगा? ए एन. फिर है डॉ, तो डी, तो डीस में नहीं आता, तो क्या आएगा? यस ए. फिर है जू, तो मतलब फर्स्ट लेटर है जेड, तो यहाँ पे जेड नहीं है, तो क्या आएगा? ए या ए एन? यस ए. फिर है एंजिन, तो मतलब ई, तो यहाँ पे ई है, तो क्या आएगा? ए आएगा या ए एन? यस ए एन. ओके ये बहुत ही इजी है, तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी वॉवल्स होंगे ना ए ई आई ओ यू, इन लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसमें आएगा ए एन, इसके अलावा कोई भी वर्ड्स होगा तो उसमें आएगा ए. ओके तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 9 जो है पोयम, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 9 की स्टोरी. ओके उसकी एक्सरसाइज देखेंगे.